आज के आपके करंट अफेयर्स 19 अगस्त 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा पहले जो आपके थिएटर्स में स्ट्रॉज मिलती होती थी वो बंद कर दी गई है, पेपर की स्ट्रॉ आ गई है, प्लास्टिक की बंद कर दी गई है। ये जो जैसे स्ट्रॉ एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिंगल यूज प्लास्टिक का, ये ऐसे प्लास्टिक थे जिन्हें तुमने सिर्फ एक बार लाइफ में यूज करना और उसके बाद फेंक देना, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्लास्टिक बहुत टाइम में इकट्ठा होता जाता है। तो ये प्लास्टिक ऐसी चीज है जो पहले इन्वायरमेंट में खत्म नहीं होती, बहुत साल लगा देते हैं इन्वायरमेंट में खत्म होने में, और उसमें भी ऐसा प्लास्टिक जो सिर्फ यूज ही एक बार ही करना है, ठीक है। वैसे जो जैसे पॉलिथिन बैग्स हो गए, ये सब कुछ, ये तो हम बार बार रिसाइकल भी कर लेते हैं, ठीक है, रीयूज करते रहते हैं ना उन्हें। तो यहाँ पे तो प्लास्टिक एक बार ही आया, जो एक बार स्ट्रॉ यूज होगी उसे थोड़ी कोई दोबारा यूज करने वाला है, तो बस अपने आप इन सारी चीजों को ना बैन करने की कोशिश है। आपके इंडिया में जो मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का ओरिजिनली मिशन था कि इंडिया के हर घर में टॉयलेट्स ओपन करवाने हैं, इंडियंस को टॉयलेट यूज करने की आदत डलवानी है। वो मिशन ऑलमोस्ट 80% घरों में, 80-85% घरों में टॉयलेट्स बनवा दिए गए और उसे सक्सेसफुल माना गया, और 2019 में उसका पहला फेज खत्म हो गया जिसमें टॉयलेट्स बनवाने थे। 2019 से ये मिशन को चेंज किया गया और अब स्वच्छ भारत अभियान का जो अगला गोल है वो ये है कि इंडिया से सिंगल यूज प्लास्टिक एलिमिनेट करना है। और इसी के चलते हुए आपकी गवर्नमेंट जगह जगह रूल्स भी बना रही है और इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वो प्रोड्यूसर डिजाइंड होते हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद थ्रो अवे ही करना होता है, ठीक है। सिर्फ एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक है। अगला करंट अफेयर है एक आपकी ट्राइब बारे, तिवा ट्राइब, और उनका एक फेस्टिवल वनचुवा फेस्टिवल, ठीक है। जो आपके तिवा ट्राइब है इन्हीं का ही फेस्टिवल है वनचुवा। ये जो फेस्टिवल है वनचुवा फेस्टिवल, ये एक तरह से जो आपकी हार्वेस्ट है, जो आपकी फसल होनी है, अच्छी फसल की प्रे करने के लिए मनाया जाता है, कि भगवान से प्रे की जाती है कि हमारी सॉइल को फर्टिलिटी देना और हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना, उस पर कोई कीड़ा ना लगे, गलत टाइम पे बारिश ना आए और हमें एक अच्छी फसल, ठीक है। तो वनचुवा फेस्टिवल एक तरह से इस चीज के लिए। जो तिवा ट्राइब है, ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, पाई कहाँ जाती है, ये असम में पाई जाती है, ठीक है। तिवा ट्राइब असम में पाई जाती है, इसके साथ साथ आसपास अरुणाचल और मणिपुर में भी थोड़ी बहुत ही है, पर मेनली असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, ये चार स्टेट्स में, इनमें भी सबसे ज्यादा असम में है, ठीक है। तिवा ट्राइब को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पर ये डिटेल में आपको कभी भी, ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, कई चीजें मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर में ऐसे ही होती है, ठीक है, ताकि आपको डिटेल नॉलेज मिल जाए। पर जो मेन क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में आ सकते हैं वो ये आ सकता है कि मैच का क्वेश्चन आ सकता है कि तिवा ट्राइब कौन सी स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो ये चार स्टेट में से अगर कोई ऑप्शन हुआ वो सही होगा, ठीक है। वनचुवा फेस्टिवल किनका फेस्टिवल है, किस ट्राइब का फेस्टिवल है, वो तिवा ट्राइब वहां पे ऑप्शन बन के आ सकती है, या वनचुवा फेस्टिवल मनाया किस चीज के लिए जाता है, वो जो चीज आ सकती है, ठीक है। तिवा ट्राइब के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये ना आपकी एक प्रैक्टिस है झूम जिसे कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और नॉर्थ ईस्ट में से झूम कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, देखो ये आपके ट्राइबल लोग हैं, ज्यादातर ये जंगल में ही रहते हैं, तो इन्होंने जब भी खेती करनी होती है क्या करते हैं, जो आपके फॉरेस्ट का कुछ एरिया है ना, फॉरेस्ट के एरिया को आग लगाएंगे, उसे क्लियर कर देंगे, आज वहां पे खेती करेंगे, कुछ सालों बाद आपकी वो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर जंगल का अगला एरिया जलाएंगे और वहां खेती करने लगते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहां पे एक खेत फिक्स नहीं होता कि यहीं पे खेती होगी, आज एक एरिया क्लियर किया वहां पे खेती की, कल आगे बढ़ गए वहां खेती की, फिर आगे इस तरीके से मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन,
या नॉर्थ ईस्ट के एरिया में इसे झूम कहते हैं, झूम वर्ड यूज होता है इसके लिए, ठीक है, जहां पे पहले की वेजिटेशन आग लगा के क्लियर कर दी जाती है और फिर जो उस फर्टाइल सॉयल है उसके ऊपर क्रॉप्स, जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी आगे चले जाए। फिर तो ये वही सारी चीज हमारे लिखा है। मंचुआ फेस्टिवल मनाया कैसे जाता है, इसमें सॉन्ग्स डांसेस रिचुअल्स हर चीज होती है, लोग अपना जो उनका अपना पहरावा है, अटायर जैसे कहते हैं, अपने खुद का पहरावा डाल के आते हैं, ठीक है। तो पिग के स्किल्स और स्कल्स होते हैं, जो एक सुअर का, हिंदी में स्कल को क्या कहते हैं, खोपड़ी, और हड्डियों से आपकी ये फेस्टिवल परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके साथ में बैम्बू स्टिक्स भी यूज की जाती हैं, जैसे एक बीट पे बजाया जाता है राइस पाउडर के ऊपर, ठीक है, और सर्कल में खड़े होके ये सारे बैम्बू स्टिक्स बजाते हैं और बीच में ये हड्डियों से रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, क्लियर है। तीसरा करंट अफेयर है कोलिजियम सिस्टम के बारे में। अब ये जो चीज है आपके सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग और हाई कोर्ट के रिगार्डिंग है कि आपके जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। देखो, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट रहे, सरकार के इन्फ्लुएंस में ना हो, ठीक है। अगर जुडिशरी सरकार के इन्फ्लुएंस में होगी तो मंत्रियों के खिलाफ कभी फैसले नहीं देगी, सरकार के अपने खिलाफ कभी फैसले नहीं देगी। तो इंडिया की जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट काम करती है और उसके इंडिपेंडेंट काम करने में जो प्रिंसिपल है वो कोलिजियम सिस्टम का है। इसमें इस हद तक इंडिपेंडेंस है कि आपकी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ना, वो भी जुडिशरी खुद करती है। किस तरीके से करती है, वो सिस्टम है कोलिजियम। देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो आपका प्रेसिडेंट है उसने जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद सच नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो प्रेसिडेंट को लगे ठीक है। प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के, और अगला पॉइंट हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। प्रेसिडेंट ही दोनों जगह के जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अगर यही क्वेश्चन आता है सबसे बेसिक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा था कि वो कुछ चुने हुए जजेस से कंसल्ट करेगा और उनसे कंसल्ट करके वो अपॉइंटमेंट करेगा, जिसमें से एक मेन जज होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। पर बाद में यही केस आया कि ये क्या, ये कंसल्टेशन, मतलब अब देखो कंसल्ट करना है सलाह लेना, अब क्या प्रेसिडेंट को ये सलाह माननी जरूरी है या सिर्फ इसे सलाह के तौर पे लेना। देखो, सलाह जरूरी तो नहीं है कि तुम किसी की सलाह मानो, ठीक है, लाइफ में सलाहें तो बहुत दी होंगी, सब थोड़ी माननी है। तो क्या आपकी ये सलाह प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है, और ये सलाह कौन देगा। तो आपके सुप्रीम कोर्ट में तीन केसेस हुए इसके ऊपर, इसे फर्स्ट जज केस, सेकंड और थर्ड जज केस कहते हैं। फर्स्ट में ये बोला गया कि प्राइमरली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिकमेंड करेगा और उसी के मुताबिक आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, पर इससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा पावर चलेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे भी लगाना चाहेगा वो तो प्रेसिडेंट को उसका नाम लिख के भेज देगा, तो करप्शन होने के भी चांसेस है। तो इसके कारण धीरे धीरे कोर्ट और इवॉल्व हुआ, फाइनली जिससे अब जो सिस्टम चलता है वो है थर्ड जज केस। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट एक तरीके से फाइव मेंबर बॉडी, ये फाइव मेंबर बॉडी जो बनी थर्ड जज केस से, इसे कोलिजियम कहते हैं, आपकी पांच मेंबर की एक बॉडी बनाई जाएगी कोर्ट के अंदर, जिसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चार और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो कोलिजियम में होता क्या है, सीजीआई प्लस फोर अदर जजेस, ये आपके कोलिजियम में होते हैं। तो ये आपका एक काउंसिल बनेगा,
टोटल पांच हो गए ना, चार ये और एक ये, टोटल पांच हो गए। इसके बाद ये पांचों बैठ के डिसाइड करेंगे कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना है, कौन से जज को मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है, कौन से को मतलब हाई कोर्ट के लिए अलग कोलिजियम बनता है उसका मैं बता दूंगा। तो यहां अभी सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ये होता है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोलिजियम अलग होता है हर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए ये भी डिसाइड हुआ। देखो इसमें क्या है, ये सीजीए को अलग मैंने क्यों लिखा है, ये पांच मेंबर बॉडी क्यों लिखती, सीजीए का अप्रूवल माना जाता है कि हाँ चाहिए ही चाहिए, सीजीए हाँ बोल रहे किसी जज के लिए, प्लस ये चार की मेजोरिटी बने, चार की मेजोरिटी क्या होगी, थ्री, यानी कि अगर किसी भी जज को अप्रूव होना है तो उसे सीजीआई प्लस तीन अदर जजेस की हां चाहिए। अगर ये चारों हां कर देते हैं, सीजीआई मना कर देता है, वो जज नहीं अपॉइंट, या इनमें से दो भी मना कर देते हैं, वो जज नहीं अपॉइंट, इन यहां से तीन और यहां से एक, इनकी अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये अपॉइंटमेंट यहां से, इसमें कोई भी डाउट, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाइनली कैसे, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ये इंडिया का हाईएस्ट जज है, सारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज है वही तो सारे इंडिया का हाईएस्ट जज है। इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसकी अपॉइंटमेंट कोलिजियम से नहीं होती, कोलिजियम में जाने के लिए मतलब कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बना हुआ है। पर जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, जैसे हर हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर बैठा है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, देखो जो पर्सन आपके सुप्रीम कोर्ट में लग गए हैं जज, उन्हीं में से चीफ जस्टिस बनेगा कोई। वो कैसे बनेगा, जो कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो अपने आप सीजीआई बन जाता, उसका नाम ही सीजीए के लिए जाता है। अब सीनियर मोस्ट कैसे डिसाइड होगा, सीनियर मोस्ट एज से नहीं डिसाइड होता, सीनियर मोस्ट डिसाइड होता है कि तुमने कितने इयर्स इन सुप्रीम कोर्ट एज जज स्पेंड किए, तुम कितने सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हो। लेट्स सपोज कोई जज बना था जो पिछले मतलब उसकी एज अभी भी 55 इयर्स ही है, ठीक है, पर उसे 7 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए, और एक बंदा है जिसकी एज 60 साल हो चुकी है, 64 रिटायरमेंट है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 60 साल का हो चुका है पर उसे सुप्रीम कोर्ट में आए हुए सिर्फ 2 साल हुआ है, तो कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, 7 इयर्स वाला। एक्सपीरियंस मैटर करेगा ना कि एज, कितने साल वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहा है ये मैटर करता है। करंट क्लियर है, कहीं डाउट आ रहा है तो पूछो, क्लियर हो गया। कोलिजियम सिस्टम क्या है, हाई कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम भी बताता हूं, वहां पे क्या होता है, सीजीआई प्लस टू अदर जजेस होते हैं, वो छोटा होता है कोलिजियम, सीजीआई तो इंडिया का ही होगा, ठीक है, उसके अलावा पूछा जाता है 2 लोगों से, गवर्नर उस स्टेट के और CGH चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो उस हाई कोर्ट का, उनसे पूछा जाता है। पर आपका जो कोलिजियम होगा वो CGI प्लस 2 अदर मेंबर सुप्रीम कोर्ट के 2 और लोगों से बना होगा, बस CGI प्लस 1 और बंदे ने अगर हां भर दी तो जजेस की अप्रूवल। क्लियर है, कोई भी डाउट यहां तक, तो यही सारा आपका यहाँ पे करंट अफेयर इस तरीके समझाया, ये जो वर्किंग है वो आखिर में बताया कि कैसे काम करता है, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखी। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट, हाँ जी सर, वो किस सेंस में, नहीं वो बिल की बात कर रहा है, कौन सा बंद नहीं कर रहे, मर्ज कर रहे हैं आपके ट्रिब्यूनल्स को, बेसिकली हो क्या रहा है, ट्रिब्यूनल्स को कम किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट वही एक तरह से पैरालाइज कर रही है, तभी जुडिशरी नाराज हुई हुई है आपके सरकार से
कि तुम इतने सारे ट्रिब्यूनल्स बंद क्यों कर रहे हो। बंद की जगह सरकार कहती है कि ट्रिब्यूनल्स इतने ज्यादा बन गए हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो रही है, तो हम वो ट्रिब्यूनल्स को मर्ज करना चाहते हैं, तो जजेस की जरूरत भी कम पड़ेगी, वो भी सब कुछ। पर वही बात है, केसेस का लोड बढ़ेगा, फिर से वही चीज स्लो हो जाएगी, तो अपने आप उस चीज का फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो वो इसलिए मर्जर हो रहा है।